क्या भांग पीकर सेक्स करने से टाइमिंग बढ़ जाते हैं, और अगर भांग पीकर सेक्स किया जाए तो इसके फायदे क्या है और नुकसान क्या है, इसके बारे में बताइए। भांग पुराने जमाने से ही आयुर्वेद के रूप में जाना जाता है और ये जड़ी बूटी की तरह ही यूज किया जाता है। शिवजी जी का प्रसाद भी माना जाता है और इसीलिए कई त्योहारों पे, शिवरात्रि पे, होली पर इसका लोग सेवन करते हैं। इसका सेवन करने के बाद एक आदमी बहुत ही खुशनुमा महसूस करता है, उसे बहुत अच्छा अच्छा फील होता है, क्योंकि उसकी बॉडी में जो लव हार्मोन होता है, जिसे डोपामाइन हार्मोन भी कहते हैं, उसका लेवल बढ़ जाता है। और साथ ही साथ ये चीज आपके मूड को भी एनहांस करने में मदद करती है। कौन से वाला मूड? वही वाला मूड आपके सेक्सुअल मूड को बनाने में मदद करती है। तो जब इसे लेता है कोई आदमी, फिर वो अपनी बीवी को ढूंढना शुरू करता है, और अगर वो अपनी बीवी को पिला दे या खिला दे, उसके बाद वो अपने हस्बैंड की बाहों में झूलती हुई नजर आती है। और यस, इसे खाकर अगर आप सेक्स करते हैं तो आपके सेक्स टाइम में बढ़ोतरी होती है, आपका स्टेमिना भी इंक्रीज होता है, आप बेड पर देर तक टिक पाते हैं। आपकी वो वाइफ जो कि 4 झटकों में दम तोड़ देती है, ढीली पड़ जाती है, वो 10 झटकों के लिए तैयार हो जाती है। कारण इसके पीछे, क्योंकि ये खाने के बाद आपकी बॉडी का जो वो पेन सहने का, जो एंजॉय करने का, पेन के साथ प्लेजर एंजॉय करने का जो स्टेमिना होता है, जो बॉडी की कैपेसिटी होती है, वो बढ़ जाती है। इसलिए आप वाइल्ड सेक्स एंजॉय कर पाते हैं, वो थका थका सेक्स नहीं बल्कि वाइल्ड सेक्स को भी एंजॉय कर पाते हैं। कूद कूद के देते हैं और वो कूद कूद के लेती है। आफ्टरऑल भांग जो है वो एक नशा ही तो है, वो भी ऐसा नशा जिसका एक ग्लास आपके शराब के 4 ग्लास के बराबर है। इसलिए यही कहूंगी कि अगर इसे पीकर आपको सेक्स करना है तो बेशक कीजिए, लेकिन जो इसकी जो क्वांटिटी है ग्लास की, वो कम ही रखिए, क्योंकि असर करता है लेट, एकदम से असर नहीं करता। और इस चक्कर में लोग क्या होते हैं कि एक साथ 2-4 ग्लास शुरू में गटका लेते हैं, और जब ये असर अपना शुरू करता है तो कुछ करने लायक ही नहीं छोड़ता आपको बीवी के साथ। आप नाली में गिर रहे हो, उधर झूल रहे हो, उसकी बाहों में गिर रहे हो, ये हाल रहता है। हैंगओवर भी जो है वो कई बार 2-2-3 दिन दिन में जाकर उतरता है। इसलिए अगर इसे पीकर सेक्स करना ही है तो बस 1 ग्लास, या फिर अपनी कैपेसिटी एक बार देख लो कि हाँ कैपेसिटी कितनी है बॉडी की, कि नशा कितने पैग में, मतलब कितने ग्लास में आपको नशा होना शुरू हो जाता है। एक साथ ही 4 ग्लास पीकर फिर मत उतरिए बेड पे। बाकी कभी कभी आप इसका सेवन करके खुद भी पीकर और अपनी वाइफ को पिलाकर सेक्स को एंजॉय करना चाहते हो तो बेशक कर सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। समझदारी से खेलो तो कोई भी नशा हार्मफुल नहीं है, वो आपको फायदा ही देकर जाता है। तो कभी कभी वाइल्ड सेक्स एंजॉय करने के लिए, पलंग तोड़ परफॉर्मेंस देने के लिए इसका यूज किया जा सकता है।